ओके okay, तुम्हें ऐसा लगा तुमने उसके लिए काम भी किया लेकिन वो हुआ नहीं बिकॉज कोविड सिचुएशन आ गया उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो मतलब कोविड सिचुएशन के वजह से काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही अच्छा रैंक लेके आए जैसे कुलदीप भी बहुत टाइम पहले आया था अभी पॉडकास्ट में ही ट्वेंटी सेवन रैंक था शायद उसका अभी तुम अठारह रैंक के साथ तो उसे भी कोई जॉब नहीं मिला क्योंकि पी एस यूज़ हैं ही नहीं वैकेंसीज नहीं निकाल रहे तो अभी करंट सिनेरियो क्या है गेट जिनका बहुत अच्छा भी क्वालिफाई हो रहा है उन्हें भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा उन्हें भी जॉब्स नहीं मिल रहा करंट सिनेरियो बताओ सर एक्चुअली अभी चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं स्पेशली लास्ट टू इयर्स से पहले होता था कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी में हो आप और आपकी रैंक तीन सौ साढ़े तीन सौ तक भी है तो आप कहीं ना कहीं प्लेस हो जाओगे अच्छे पी एस यू में लेकिन पिछले लाइक टू ट्वेंटी ट्वेंटी से ये हो रहा है अगर आपकी फिफ्टी भी रैंक है तो अभी आप श्योरली नहीं बोल सकते हो क्योंकि हो क्या रहा है कुछ पी एस यूज आ ही नहीं रहे ओ एन जी सी नहीं आया है आई ओ सी एल ने अपनी सीटें वन फोर्थ कर दी थी जो कि मैकेनिकल के लिए मेन रिक्रूटर्स हैं हर साल ढाई सौ तीन सौ सीटें लेके आते हैं सो so, और जिनमें आती है उनमें ऐसे हो रहा है कि बीस सीटें तीस सीटें लेकर आ रहे हैं तो जो टॉपर्स है लाइक जो टॉप ट्वेंटी थर्टी में है उनका हर जगह हो जा रहा है और जो फिफ्टी में है उनका कोई चांस नहीं है तो अभी कंपटीशन काफ़ी हो गया लाइक फिफ्टी रैंक वाले का भी हम नहीं बोल सकते हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा किसी पी में इनकेस ओ एन आ जाता है इस साल तो फिर बहुत अच्छी बात होगी अभी नहीं बोल सकते हैं कुछ भी ओके okay, अभी करेंटली जिनका गेट 2021 में बहुत अच्छा रैंक आया जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अब रैंक 18 से अच्छा तो आदमी कुछ ला नहीं सकता उसके बाद तो बहुत सारा लक का खेल हो जाता है कि कितना सारा नम, एक नंबर दो नंबर का बात हो जाता है या फिर बहुत बार नॉर्मलाइजेशन से भी फर्क पड़ जाता है yes. तो फिर अभी करंटली क्या क्या पी एस यूज है गेट के थ्रू सर अभी करंटली एन टी पी सी है जिसने अपना निकाल दिया है लाइक उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं इक्कीस मई से ही तो उसमें जनरल की फिफ्टी वन सीटें हैं सो जो फिफ्टी वन के अंदर है उनके लिए अभी थोड़े रिलैक्स है टोटल वन ट्वेंटी सिक्स है लेकिन जनरल की फिफ्टी वन है सो so, एटलीस्ट वो अभी खुश हैं एंड एन एम डी सी आया है बट उसमें काफ़ी hmm. कम सीटें उसका भी फॉर्म भर गया है और फॉर्म सबके मीन्स वो नोटिफिकेशन सबका गया है जैसे आई ओ सी एल ओ एन जी सी के भी है बट ओ एन जी सी का ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए भी था लेकिन अभी तक उन्होंने कराया नहीं है तो उनका भी नहीं बोल सकते हैं मीन्स जब तक फॉर्म ना भरा दे तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे उस टाइप का सीन है अभी तो ऐसा है, मतलब बहुत सारे पी अलग भी हो गए ना बात वो है क्योंकि गेट में बहुत लोग जो टॉपर्स भी हैं उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि एनएलसी जैसे पी अलग से लेना स्टार्ट कर दिए हैं अभी है ना हेल भी अलग से लेना स्टार्ट कर दिया एन में काफ़ी वैकेंसीज आती थी मैकेनिकल की बट लास्ट ईयर से उसने बंद कर दिया है सो so, हाँ अभी काफ़ी कंपटीशन हो गया है मीन्स अभी अगर आप श्योर शूट बोलना चाहते हैं लाइक इस साल के पैंडेमिक केस को हटा दें तब भी आपको लगता है कि हाँ इस रैंक पर मेरा सिलेक्शन कंफर्म है तो आपको अंडर हंड्रेड आना ही होगा जनरल में उस टाइप का सीन हो गया है हाँ ये बात भी है चलो ये सब तो ठीक है थोड़ा साइड सीन चल रहा है अभी होपफुली यह बेटर ही होगा ठीक है क्योंकि मुझे मुझे पता है मैंने भी मैकेनिकल में कम्पीट किया है अंडर हंड्रेड लाना कितना बड़ा चीज़ होता है मैकेनिकल में यह शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि मैकेनिकल में कितना डिफिकल्ट चीज़ होता है लोग सालों साल लगे रहते हैं उसमें और तभी वो पॉसिबल नहीं होता और उसके बाद जब मैं कुलदीप या तुम्हारे जैसे लोग को देखता हूं कि तुम लोग ऑलरेडी अंडर फिफ्टी आ चुके हो और फिर भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है मतलब पहले क्या होता था ना अगर 85 से ऊपर अगर नंबर मार दिया तो लोग जाके सो जाते थे उन्हें कोई काम नहीं था उसके बाद उसके बाद वो बस आराम करते थे तीन से चार महीने तक उसके बाद उन्हें पता ही है कि उन्हें चार पांच पीएसयू मिल जाएंगे उसके वो चूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन सैलरी कितना है या फिर प्लेसमेंट कहाँ पे है ये सब डिपेंड करके घर के पास कौन सा है तो फाइनली वो ले लेंगे चलो कोई बात नहीं जो भी है सिचुएशन फिर भी अच्छा है कि कम से कम कुछ पी आ रहे हैं अभी और, और भी बेटर होने का ही उम्मीद है क्योंकि ये बहुत हद तक सुधर जाएगा जब वैक्सीनेट हो जाएंगे ह्यूज पॉपुलेशन और उसके बाद अगर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाता है तो उसके बाद उन्हें खोलना ही है क्योंकि अब एक बार वैक्सीनेट हो गया तो फिर बंद रखने का कोई सेंस नहीं बनता ज़्यादा इकनॉमी गिराने का तो नेक्स्ट ईयर तक तो काफ़ी उम्मीद है और इवन जिन्होंने नहीं लिया वो मुझे लगता है पिछले साल के लोगों को एलिजिबल करेंगे है ना जैसे जो जवेंटी ट्वेंटी के हैं या ट्वेंटी ट्वेंटी वन के हैं क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि बार्क नीटी मुंबई ये सारे दो तीन साल का एलिजिबिलिटी देते थे है ना चलो और एक चीज़ पे आते हैं जो काफ़ी यूनिक है जो तुम्हारा एक्सी का एग्जामिनेशन है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता बहुत लोगों ने मुझसे पूछा लेकिन मेरे टाइम पे यह था नहीं और मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च किया नहीं लेकिन तुमने एग्ज़ाम दिया भी है और रैंक फाइव लाया भी है तो पहले ये बताओ कि वाट इज़ एक्सी स्टार्टिंग विद द फुल फॉर्म इस इसको देने से क्या फ़ायदा है और